इस वीडियो में एक चमत्कारी पत्ते की बात करते हैं। दोस्तों, कई जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, लेकिन हर इंसान, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखो, जैसे ही बीमार होता है डॉक्टर की तरफ भागता है, हॉस्पिटलों में भागता है। अब देखो, सारा भारत, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस पत्ते को खाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भी है कि ये पत्ता हमारे लिए अच्छा नहीं, बहुत से लोग इसको नशा मानते हैं। ये दिव पत्ता है, पान का पत्ता। इतनी सारी पान की दुकानें हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गांव में, देहात में, शादियों में लोग इसको खाते हैं, तरह तरह का पान। इस पान पत्ते को धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप घर में कोई पूजा रखवाते हैं तो पंडित जी आपको पान के 16 पत्ते लाने को कहते हैं। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो पान के 16 पत्ते आपको मंदिर में लेकर जाने हैं और वहां दान पुण्य करना है। दोस्तों, इस पान पत्ते को धर्मों में शामिल किया गया और साथ ही इस पान पत्ते को आयुर्वेद में भी शामिल किया गया, ताकि इस पत्ते का इस्तेमाल करके हम फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हम में से कुछ लोग इस पत्ते में ढेर सारा तम्बाकू और कत्था लगाकर सेवन करते हैं, और इससे हमें ये लगता है कि पान का पत्ता एक नशा करने वाली चीज़ है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। दोस्तों, अगर हम पान पत्ते को सही तरीके से खाएं, तो ये एक दिव्य औषधि है, एक ऐसी औषधि जो आपके बालों को झड़ने से रोक सकती है, डायबिटीज़ को ठीक करती है, दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करती है, स्किन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करती है। ऐसी मतलब 80-90 बीमारियां मैं गिना सकता हूँ जो पित्त से जुड़ी हैं, वह पान पत्ते से ठीक हो सकती हैं। साथ ही आज हम इस वीडियो में पान को खाने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपकी 100 से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, लाइफ अच्छी बन जाएगी। अब पान पत्ते का फ़ायदा क्या है? अब देखो, इस पान पत्ते में ढेर सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जिसकी वजह अगर आप इसको खाते हैं तो आपको कोई भी विटामिन या सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग विटामिन की कमी दूर करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट या गोलियां खाते रहते हैं या उनका सहारा लेते हैं, लेकिन दोस्तों, भगवान ने हमारे लिए इतनी अद्भुत जड़ी बूटियां बनाई हैं जिनको खाने से हमारे हजारों लाखों रुपए बच जाते हैं। अब पान में क्या क्या है? पान में देखो, विटामिन सी है, B1 है, B2 है, B3 है, विटामिन ई है, फिर कैल्शियम है, आयोडीन है, तरह तरह के जो है बहुत अच्छे एसिड्स हैं। पान पत्ते को धर्मों में इसलिए शामिल किया गया ताकि हम इसको इस्तेमाल करें और खा लें किसी तरीके से, लेकिन हम लोग इसको पूजा में यूज़ करके फेंक देते हैं। भगवान शिव को पत्ता चढ़ाने के बाद खाते हैं तो वह भगवान का प्रसाद है, खाना कैसे है? अब पान का पत्ता लिया, धोया, उसको साफ़ कर लिया, थोड़ा सा चूना उसमें लगा के खाली पेट जब उसको हम खाते हैं तो पित्त नाशक बन जाता है, और चूना क्योंकि वात का दुश्मन है तो 100 तरह की बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो गई। अब देखो, जब इसको खाली पेट हम खाते हैं पान का पत्ता लेके, थोड़ा सा चूना लगा के, तो इससे बॉडी की जो कैल्शियम की कमी है ठीक होती है, एड़ी में जो दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, आजकल सब लोगों के दर्द हो रहे हैं, वो ठीक होते हैं। फिर पान पत्ता और सरसों का थोड़ा सा तेल लगाकर जब एड़ी या घुटने पर लगाते हैं तो दर्द में फ़ायदा होता है, जॉइंट पेन में बहुत आराम मिलता है। फिर देखो, जगह जगह बच्चों के पिंपल्स हो जाते हैं, क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पान के पत्ते की पेस्ट पान और चूना मिला के बनाओगे, वो लगाओगे तो थोड़े ही दिन में वो पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं, रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर दाद,
खाज, खुजली, एक्जिमा, उसमें बहुत लाभ होता है। फिर जो कैंसर होता है, स्किन का कैंसर या दूसरे कैंसर, वो उसमें इसका काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि पान के पत्ते में 150 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। फिर देखो, दांतों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ख़त्म करता है। डायबिटीज़ की दवाई के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है, देखा होगा जिनको डायबिटीज़ है वो लोग बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, उनका वज़न कम हो जाता है, लेकिन पान का पत्ता ठीक करता है। फिर जो बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ, वो ठीक हो जाता है अगर पेस्ट लगाएं इसकी। तभी देखो, हमारे जितने पुराने बुज़ुर्ग थे, दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो पान के पत्ते को सही तरीके से यूज़ करते थे। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन है कि जो पान का पत्ता है ये एक देव पत्ता है, ये एक देव वनस्पति है, इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, और अगर आप इसको लाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलेगा। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल महाकाल दी मास्टर ऑफ यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।